मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं हूँ प्रियंका और डेली लेकर आती हूँ करंट अफेयर। देखो ये है मेरा रेफरल कोड जिसे आप अन अकेडमी प्लस कोर्सेज के लिए 10% का ऑफ ले सकते हो। वहाँ लाइव क्लासेस चलती हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा, जहाँ अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करें 4 अक्टूबर के करंट अफेयर की, यानी कि 3 तारीख को जो भी दिन भर का अपडेट रहा उसकी हम बात करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होता है, ये मैं बता दूँ। टॉपिक माइंड में एक बार चला जाता है पर आपको उसे रिवाइज करने के लिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए अपने, या पीडीएफ फाइल में डेली देती हूँ टेलीग्राम पे, या यहाँ से भी आप अन अकेडमी पे भी ऑफलाइन इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी पीडीएफ लो और उसे रिवाइज करो, अपने हिसाब से मार्क करो उसे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सुरजीत भल्ला को आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुरजीत भल्ला को आईएमएफ में। ठीक है, सरकार ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के बोर्ड में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने सुरजीत भल्ला की नियुक्ति को 3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी है। सुरजीत एस भल्ला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण का स्थान लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, सुरजीत भल्ला किसका स्थान लेंगे? सुबीर गोकर्ण का। ठीक है, शॉर्ट में लिखते जाइए, IMF का नया कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला किसकी जगह लेंगे? सुबीर गोकर्ण। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल SK घोटिया ने दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमांड के प्रमुख का पदभार संभाला है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमांड के प्रमुख एयर मार्शल SK घोटिया। ओके, एयर मार्शल SK घोटिया को दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह ली है। ठीक है, एयर मार्शल SK घोटिया ने किसकी जगह ली है? HS अरोड़ा की जगह ली है। उन्होंने स्वाक SWAC के एक फॉरवर्ड बेस में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर और स्टेशन कमांडर, वायुसेना मुख्यालय में इंटेलिजेंस डायरेक्टर, पेरिस में भारतीय दूतावास में एयर अटैच, एयर ऑफिसर कमांडिंग कोबरा ग्रुप और वायुसेना मुख्यालय में असिस्टेंट ऑफ चीफ एयर स्टाफ इंटेलिजेंस सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ये हमें याद नहीं रखना है इतना सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा प्रेजेंट का। ठीक है, तो SK घोटिया ने दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमांड के प्रमुख की जगह ली है और वे किसकी जगह ले रहे हैं? HS अरोड़ा की। ठीक है, यहाँ नियुक्ति हुई है और इनकी इन्होंने जगह ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, पहले की डिटेल ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो देखिए डेली करंट अफेयर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू में कटरा के लिए दिल्ली कटरा, ठीक है, रूट क्या होगा, दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। रेलगाड़ी संख्या 2249 नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होगी, दोपहर 2 बजे कटरा पहुंचेगी। यह दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, पहली कहाँ चलती है? दिल्ली और वाराणसी के बीच, और दूसरी चलेगी दिल्ली और कटरा के बीच। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, ये तो सबने बहुत जोर शोर से मनाया। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की भी 115वीं जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर को। ठीक है, इन दोनों की जयंती एक साथ सेलिब्रेट की जाती है 2 अक्टूबर को, सेम डे। 2 अक्टूबर को पूरे देश में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 115वीं जयंती मनाई गई है। कुछ डिटेल है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। शॉर्ट में जो मेन है वो बता देती हूँ, विजय घाट है इनका स्मारक और जय जवान जय किसान इन्होंने नारा दिया था। ओके, IRCTC तेजस स्टेशन ट्रेन में देरी पर यात्रियों को मुआवजा प्रदान करेगी। देखो ये भारत का ऐसा पहला सिस्टम है
जो कि ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देगी, IRCTC की तेजस स्पेशल। ठीक है, देश की पहली निगमित क्षेत्र की रेलगाड़ी तेजस यात्रा में देरी के दौरान मुआवजा प्रदान करेगी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ट्रेन में 1 घंटे से अधिक देरी पर 100 रुपये, 2 घंटे से अधिक देरी पर 250 रुपये का भुगतान करेगी। ये याद रखने वाली चीज है, तेजस IRCTC की तेजस 1 घंटा देरी पर 100 और 2 घंटे देरी पर 250 रुपये मुआवजा देगी। 1 अक्टूबर से ये लागू होगा। पहली बार होगा जब ऐसा किया जा रहा है। ट्रेन को 4 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी, 5 अक्टूबर को अपना पहला वाणिज्यिक सफर तय करेगी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार मास्टर ब्लास्टर सचिन को भारत द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी लोकप्रियता प्रसिद्धि का उपयोग करने के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया टुडे सफाईगिरी शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। याद हमें क्या रखना है, 150वीं जयंती पे स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार मिला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को। पोषण अनुसंधान के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कोलाथुर गोपालन का निधन हो गया है। भारत में पोषण अनुसंधान के प्रतिष्ठित सदस्य कोलाथुर गोपालन 100 साल के थे। इनका चेन्नई में निधन हुआ है। गोपालन पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करता थे। गोपालन ने 1973 से 79 तक राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN हैदराबाद के निदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR के महानिदेशक सहित बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। संस्थान निर्माता के रूप में उन्होंने मलेरिया, कुष्ठ रोग, वेंटर कंट्रोल रिजर्व अनुसंधान में 3 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने में सहायता करी। भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषक मान उनके दिमाग की उपज है। जसप्रीत बिंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक द टेक विस्पर का विमोचन किया गया है। याद क्या क्या रखना है हमें, द टेक विस्पर शीर्षक पुस्तक है, नाम पुस्तक का नाम क्या है, द टेक विस्पर। ठीक है, पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अध्ययन किया गया है। पुस्तक के लेखक डिजिटल परिवर्तन विशेषज्ञ जसप्रीत बिंद्रा है। पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है, द टेक विस्पर के लेखक कौन है, जसप्रीत बिंद्रा, और पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ओके, नीदरलैंड में भारतीय राजदूत की पुस्तक का विमोचन किया गया है। नीदरलैंड में भारतीय राजदूत वेणु राजा मोनी, भारतीय राजदूत कौन है नीदरलैंड में, वेणु राजा मोनी, इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका विमोचन किया गया है, एम्स्टरडम में इसका विमोचन हुआ है। ये पुस्तक दोनों देशों के बीच सीमा पार सांस्कृतिक धरोहर का पूरा ज्ञान प्रदान करती है। इसका विमोचन एक समारोह में हुआ जिसमें नीदरलैंड के राजा रानी शामिल थे। भारतीय दूतावास रॉयल एशियन आर्ट सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित समारोह में एम्स्टरडम के रिजक्स म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वहां का, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ। ठीक है, तो हमें तो क्या याद रखना है, इंडिया एंड नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है, लिखी किसने है, भारतीय राजदूत वेणु राजामोनी ने। ठीक है, कपिल देव ने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। याद रखना है, यही है डिटेल, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, BCCI के क्रिकेट सलाहकार समिति से किसने इस्तीफा दिया है, कपिल देव ने। SS मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री राव इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका विलय इंडियन बैंक में होने जा रहा है। श्री राव 18 सितंबर 2021 तक दिल्ली में स्थित PNB के प्रमुख होंगे। PNB में सुनील मेहता की जगह निकले। ठीक है,
किसकी जगह लेंगे? मल्लिकार्जुन राव सुनील मेहता की। मौजूदा समय में इस बैंक का विलय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ होने जा रहा है। विलय का एक लाइव वीडियो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, पूरी डिटेल देखने के लिए आप लोग उस पे जा सकते हो, उसमें पूरा डिटेल है स्टार्टिंग से एंड तक के जितने भी बैंकों का विलय हुआ है। ठीक है, चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर 30 मिनट में अमेरिका को निशाने बनाने वाली DF-41 मिसाइल का अनावरण किया है। इम्पोर्टेंट है, चीन ने 2 अक्टूबर 2019 को बीजिंग में राष्ट्रीय दिवस परेड में इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है, जिसे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना गया है। DF-41 की मारक क्षमता 9,320 मील यानी कि 15,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर किसी भी मिसाइल में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार मिसाइल अलग अलग लक्ष्य को निर्धारित कर 10 परमाणु विस्फोट ले जाने में सक्षम है। तथ्यों के आधार पर 30 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। चीन द्वारा बनाई गई साम्यवादी शासन की 70वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय दिवस की परेड पर इसका अनावरण किया गया है। किसका? DF-41 का। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है जाएगा 4 से यानी कि आज से 10 तारीख तक। ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, मानव स्थिति की बेहतर में उनके योगदान का जश्न है। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 1999 में इसे घोषित किया गया था। थीम है 2019 की द मून गेटवे टू द स्टार्स। ठीक है, पीएम मोदी ने भारत में खुले शौच मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गया है भारत, इसकी घोषणा की है। भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण के रूप में पानी के इष्टतम उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक हटाने पर जोर किया है। उन्होंने वाटर रिचार्ज, वाटर रिसाइकिल की आवश्यकता पर जोर दिया है। बताया है सरकार ने जल जीवन मिशन में 3.5 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। ठीक है, थीम इम्पोर्टेंट है द मून गेटवे टू द स्टार्स। जयपुर स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ऊपर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहले नंबर पे है जयपुर, फिर जोधपुर और तीसरे पर है दुर्गापुरा स्टेशन। ठीक है, राजस्थान पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। पान मसाले पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य राजस्थान है। 3 अक्टूबर 2019 को रूस के उलान उड़े में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है। ये दो छोटे छोटे थे, इनके डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में इन्हें ले लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। और रिव्यू कोर्स भी कल से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे रिव्यू कोर्स के, सो उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।